दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएस के एडमिशन के बारे में, कौन कौन से एडमिशन होते हैं और कब कब हम एडमिशन ले सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एनएस के लिए एलिजिबल हैं, कौन से बोर्ड एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एनएस के एडमिशन की। तो एनएस के अंदर जो एडमिशन होता है, आप 10th क्लास में और एक 12th क्लास में, आप दो क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर तीन सेशन होते हैं, एक अप्रैल वाला सेशन होता है, एक अक्टूबर और एक होता है आपका ऑन डिमांड। अप्रैल वाला सेशन का बेसिकली मतलब यह है कि आपके एग्जाम जो है अप्रैल में कंडक्ट हो जाएंगे, और अक्टूबर वाले सेशन का मतलब यह है कि आपके एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट होंगे, और ऑन डिमांड का मतलब यह है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो आप अपनी मर्जी से कंडक्ट करा सकते हो। तो ऑन डिमांड के एग्जाम लगभग आपके साल में 4 से 5 बार हो जाते हैं, केवल अप्रैल और अक्टूबर वाले सेशन को छोड़कर। इनमें अक्टूबर में भी नहीं होते, एक आपके दिसंबर में होते हैं, अगस्त में होते हैं। तो इस तरह से आप ऑन डिमांड के एग्जाम अपनी मर्जी से दे सकते हो। ऑन डिमांड का बेसिकली मतलब ये है। अप्रैल और इसको जो इनको बेसिकली हम बोलते हैं स्ट्रीम 1। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रीम 1 हम इसको बोलते हैं। और स्ट्रीम 1 का ये ब्लॉक 1 होता है। अप्रैल और अक्टूबर वाले को बोलते हैं हम ब्लॉक 2। अप्रैल वाले की जो बेसिकली जो डेट होती है वो आपकी लगभग हर साल क्या होती है, लगभग 30 सितंबर होती है लास्ट डेट आपके एडमिशन होने की, और अक्टूबर वाले की होती है 15 मार्च। ये लेट फीस के साथ होती है, थोड़ी बहुत लेट जो डेट है आपकी वो आगे पीछे हट जाती है। अब बात करें कैसे आप एडमिशन लेंगे, ये बेसिक मैंने आइडिया आपको दिया है, यानी कि आप एनएस के अंदर जो एडमिशन लोगे एक अप्रैल में ले सकते हो, अक्टूबर में ले सकते हो। फिलहाल अगर मैं अब की बात करूं, अब जो है आपके अक्टूबर 2023 के एडमिशन चालू हैं। अब जो एडमिशन है वो आपके कौन से हैं, वो अक्टूबर 2023 के एडमिशन चालू हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और उनकी जो लास्ट डेट है लेट फीस के साथ में, वो 15 मार्च है। अगर आप बिना लेट फीस के करना चाहते हो तो आपको एडमिशन पहले लेना पड़ेगा। अब इसमें तरीका क्या होता है, अगर मैं बात करूं 10वीं और 12वीं के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको, अगर 10th की बात करें, 10th की और 12th की दो इसके अंदर एडमिशन होते हैं। इसको सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है और इसको बोला जाता है सेकेंडरी। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका आधार लगेगा, फोटो, और एक आपके सिग्नेचर, और एक आपको 8th या 9th क्लास की टीसी, या कोई बच्चे जो 10वीं क्लास फेल हो चुके हैं, फेल का रिजल्ट। इसके अलावा 12th की बात करूं तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, वो आपको यहां पर अब लगाना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रहे, इन सारी चीज़ों में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, आपके नाम और उनकी स्पेलिंग प्रॉपर सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें मिस्टेक होगी तो आपके एडमिशन पे कमेंट आ जाएगा, और अगर आपके एडमिशन पे कमेंट आ गया तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होने में दिक्कत आ जाएगी। अब एडमिशन करना कैसे, इसके लिए हमने पूरी प्रॉपर वीडियो एक बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बेसिकली आपको मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। जो बच्चे खुद एडमिशन करते हैं, पहली बात तो यह है कि आप खुद एडमिशन ना करें, या तो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही एडमिशन कराएं, या जो पहले से इस काम को करते हैं उनके थ्रू एडमिशन कराएं। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपसे कोई भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कुछ हो जाती है तो आप जो है, अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई तो वो आपको जो है फिर, या तो आपका बड़ी मिस्टेक है, कोई ज़्यादा दिक्कत है, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वरना आपसे उसको ई सर्विस के नाम पे बार बार आप उसको सही करने के लिए आपसे चार्ज किया जाएगा। तो आप एडमिशन किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही करा लें, या फिर आप एडमिशन आप हमारे थ्रू करा सकते हैं। अगर आप एनएस के अंदर हमारे थ्रू एडमिशन कराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे, जो शायद आपको और कहीं से ना मिले। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप एडमिशन लेते हो तो इसके अंदर एनएस के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, प्रॉपर स्कूल तो आपका होता नहीं है जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। जब आप एडमिशन लेते हो तो पहले आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लोगे तो आपका एडमिशन गारंटी से कंफर्म हम कराएंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद आपका आई कार्ड आ जाता है, आपका आई कार्ड आपको सेंड करेंगे। उसके बाद आपकी एग्जाम फीस जमा होती है, एग्जाम फीस की प्रॉपर नॉलेज हम बताएं कब जमा होगी, कैसे जमा होगी। उसके बाद टीएम में असाइनमेंट होते हैं, टीएम में असाइनमेंट सोल्ड हम आपको अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे। इसके बाद पीसीपी क्लासेस होती है, उनका होल टिकट आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल का होल टिकट, प्रैक्टिकल की फाइल, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। सोल्ड प्रैक्टिकल फाइल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। इसके बाद थ्योरी एग्जाम होते हैं, थ्योरी एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसका होल टिकट कहां, डेट शीट, ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो हमसे कराने के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, और साथ में आपको एक कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो ये नंबर है, आपको एक अलग से नंबर आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा, एक आपको कंसल्टेंट मिलेगा, वो एनएस के एक्सपर्ट होंगे जिस पे
पे आप कभी भी बात करके अपनी जो भी दिक्कत होगी उनको पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, कभी भी आप व्हाट्सएप या मैसेज करके कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, गाइडेंस तो आपको शुरू से आखिर तक मिलेगी, TM में मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलेंगे, बुक्स मिलेगी सॉफ्ट कॉपी में, और साथ में आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ऐप का सपोर्ट, और साथ में एक कंसल्टेंट आपको मिलेगा। अब अगर हम बात कर लें कि जो ये एडमिशन जैसे आप करने के इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे ये हैं, आपको सभी चीज़ें एक जगह पर ही मिल जाएंगी, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से ये दोनों आपके बच जाएंगे। साथ में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और इसमें आपको पिछले साल के पेपर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्या है एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन का जो चार्ज है हमारा, जो एडमिशन का चार्ज है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो चार्ज होगा, एडमिशन का जो चार्ज होगा ये होगा आपका 4500, 4500 रुपये होगा आपका विदाउट लेट फीस। इसके अंदर क्या है आपको हम इसके अंदर साथ में हमारी कंसल्टेंसी सर्विस भी आपकी ऐड है, कंसल्टेंसी सर्विस भी आपकी ऐड है। कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर क्या होगा, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, जिसका कंसल्टेंसी सर्विस जो है हमारी उसका चार्ज है आपका 1500 रुपये। अगर कोई बच्चा खुद एडमिशन करना चाहता है तो खुद कर ले, लेकिन कंसल्टेंसी सर्विस जरूर ले लें, जिसका चार्ज क्या होगा 1500 रुपये होगा। इसमें हम आपको सारी चीज़ें एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक कंप्लीट गाइड करेंगे, असाइनमेंट TM में प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और आपके एडमिशन कंफर्म होने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराओगे। एडमिशन कराने के लिए आपको करना क्या है, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7303838500। यहाँ पर इस नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, पहले आपको पेमेंट नहीं करनी, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वेरीफाई जैसे ही हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट के बाद हमारी टीम यहाँ से आपको उसकी रिसीविंग भेजेगी कि आपने इस काम के लिए इतने पैसे दिए हैं, उस चीज़ की आपको रिसीविंग मिल जाएगी। आपको रिसीविंग के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको एक कंसल्टेंट मिल जाएगा, साथ में एक पर्सनल नंबर अलग से दिया जाएगा जिससे आप बात करके अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हो। इसलिए आप एडमिशन जो किसी अच्छे इंसान के थ्रू ही कराएं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हजारों बच्चों के हम एडमिशन हर साल करते हैं, देश के हर एक कोने से बच्चे हमसे एडमिशन करा रहे हैं। आप हमारी एडमिशंस की वीडियो हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो आप उनके जो है आप कमेंट वगैरह भी आप पढ़ के चेक कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, आपने किसी और से भी एडमिशन कराया तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं, जो जिसका चार्ज 1500 रुपये है, जो आपकी सारी समस्या होगा वो समाधान उसके अंदर हो जाएगा। फिर भी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, या सोल TM में या प्रैक्टिकल के लिए भी आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।